नौकरशाह में एक बड़ी हत्या हुई थी मिथुन यादव हत्याकांड, लगभग 10 दिन होने चला, 9 दिन, अब तक अपराधी गिरफ्त में नहीं आया, क्या कुछ लग रहा है इस घटना में आपको? लग कुछ ना रहा है, बात है कि पुलिस सक्रिय है, पुलिस से मैंने भी मिला, दरोगा से मिले, उसके बाद एसपी से वहीं पर मिले, एसपी को हम बोले, वो तो जात का यादव थे, हम मंडल थे, दमदम यादव हमारे छोटे भाई मित्र समान हैं, उनके साले थे, तो दमदम को कम, हमको ज़्यादा वो नहीं मानते थे, इसलिए दुखद घटना है और जितना जल्दी हो उतना जल्दी अरेस्ट कीजिए, पकड़िए, और मन ही मन हम बोर भी उनको दिए और हम दुखित हैं, सब कुछ है, ढेको बाबू हमारे गार्जियन हैं, हम लोग मिल बैठ के बात किए, जो चला गया चला गया, अब उसके लिए हम लगे हुए हैं, जो हमारा समर्थक हो, जो हमारा चिंतन करता हो, उनको मारने वाला स्थिर नहीं रह सकता है, इसमें दो मत नहीं। विपक्ष का रहा, जब से नया परिवर्तन हुआ है बिहार में, भाजपा सरकार आई, तब से लगातार घटनाएं हो रही है, नौगछिया और भागलपुर बिहार में जंगल राज हो गया है। नहीं नहीं, जंगल फंगल राज नहीं हुआ है, ये बात है कि मर्डर को कोई रोक ही नहीं सकता है। मिथुन तो वाजिब में अपना जमीन लिया था, हम बोलवो किए, एक दिन गए थे वहाँ पर बैठने के लिए, हम बोले मिथुन ऐसे काहे बैठते हैं, दो तीन लड़का, आप हैं जमीन लिए हैं तो आप पर, आप जमीन का कारोबार करते हैं, जमीन जो ब्रोकर है वो बिल्कुल आप उनके नज़र में है, आप बैठिए वहाँ ऊँचे मकान पर जहाँ आपका घर है, अब बाकी और कर लोग काम करेगा, दो चार आदमी वहीं बैठिए, ये हम बोले, और सतर्क रहिए नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। हम तो पुराना खिलाड़ी है, अनुभवी आदमी है, 62 साल हमारा उम्र हो गया, दुनिया हम लंबी देखे हैं, और जिनको जिनको हम बोले हैं सतर्क रहने के लिए, अगर सतर्क नहीं रहा है उनकी हत्या हुई है। आप पहले ये सूचना दे दिए थे? आज से नहीं दे रहे थे, जब उनकी गाड़ी चोरी हुई उसके पहले भी ढेकोव मौजूद हैं, हम बोले इसमें घेरा दीजिए, आते बनते ये थी, ये बनेगा फोर लाइन, तो फोर लाइन बनेगा तो हटा दीजिएगा, लेकिन घेरा दीजिए साले को वहाँ से, हम बोले मुन्ना को बोलो कि ईंटा गिरा दो, इसको ईंटा नहीं जुटता है, तो गाड़ी जब चोरी हुआ तब छोटा सा घेरा दिया, हम बोले हम भी यहाँ के बैठते हैं, चला दुश्मन चढ़ जाएगा ऑटोमेटिक हथियार लेके चला देगा तो हम भी मर जाएंगे, आप तो मरवे कीजिएगा, ये हम सतर्क किए हैं, लेकिन इतना ना उस सब का दुलारा थे, कौन ऐसा आदमी नहीं जाते थे जो उनका पानी पी के नहीं आते थे, चाय नहीं पीते थे, नाश्ता नहीं करते थे, सब कोई करते थे। अपराधी घटना बढ़ गया है जब से फिर से भाजपा के साथ सटे हैं? नहीं नहीं नहीं, अपराधी घटना तो घटते रहेगा, इसको कोई रोक सकता है? इसको कोई नहीं रोक सकता है, ये तो घटना घटते रहेगी। अभी हम लोग हैं साथ में, आपसे हुज्जत हुआ, पीछे से कोई आदमी आके लाठी चला दिया, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। हाँ, छीना झपटी इस पर कंट्रोल हुआ है, सामूहिक बलात्कार या बलात्कार करना इस पर कम हुआ है, लेकिन मर्डर को कोई नहीं रोक सकता। भाई भाई मर्डर होगा, भाई भाई में बकवास होगा, कोई चाकू लेके, कोई बैठी लेके काट मार देगा, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। यहाँ पर घटना घट जाएगी, पुलिस क्या कर लेगी, उसका क्या चलेगा? सरकार सजग है, सरकार सोचती है घटनाएं कम हो, अपराध का ग्राफ नीचे गिरे, सरकार बढ़िया से चले। नीतीश कुमार के समय काल में क्राइम का ग्राफ घटा है, ऐसे बोलने वाला कोई बोल दे, और भाजपा की सरकार आने से, मिलने जुलने से, ऐसा नहीं कि मन बढ़ाए सो बात नहीं है, और बढ़िया से जम के सरकार चलेगी, ये मैं बिल्कुल सत्य बोलता हूँ। कल पप्पू यादव आए बोले उनका अपराधियों का एनकाउंटर करे सरकार पुलिस। देखिए पप्पू यादव आए, सही बात, पप्पू यादव तो बोलबे करते हैं, यादवों को यादवों ने मार रहा है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, पप्पू खुद ने बहुत पहले बयान दिया है। पप्पू समझदार हैं, सोचने वाले हैं, विचारने वाले हैं, अच्छे नेता हैं, इसमें दो मत नहीं है। पप्पू हमारा साथी नहीं, छोटा भाई रह चुका है, अब दूसरा दल है, हम अलग दल में हैं, बातचीत होती है, अगर राह में कहीं पहुंच जाते हैं, जब पकड़ता है हमको छोड़वे नहीं करता है। सर पुलिस क्या आश्वासन दिए, कब तक अपराधी पकड़ में आ जाएंगे? देखिए पुलिस से मिले नहीं, बोला कि जितना जल्दी होगा पकड़ लेंगे, अपराधी है नहीं इस इलाके में, अपराधी दूसरे लोकेशन में ले रहा है, अपराधी इतना तेज है सीम बदलते रहता है, ये सब बात है, अपराधी वो ले लिया पुलिस ने लोकेशन में,
अगर किसी से बात करेगा वो तो पता चल जाएगा। ठीक, चलो।